देखिए दोस्तों, इस समय संस्कृत क्योंकि 10 ही नंबर का है और बचते हैं 140 नंबर, तो 10 नंबर पाने के लिए आप पूर्णतः देखिए, अगर अपठित अध्यास देता है तो सीधे दोस्तों उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो अपठित अध्यास में कर देगा। अच्छा, उच्चारण स्थान में से एक क्वेश्चन बन गया आपका, विभक्ति से लगभग दोस्तों 2 क्वेश्चन बन गया, तो मैंने उच्चारण स्थान पढ़ा दिया, विभक्ति पढ़ा दिया दोस्तों, संधि से आपका ये पूछ लेगा तो 4 क्वेश्चन, 4 3 7 हो गए दोस्तों, एक कर्म वाच्य परिवर्तन से पूछेगा दोस्तों 8 हो गया, और उसके बाद दोस्तों हमने आपको संधि पढ़ाया, संधि से एक पूछेगा तो 9 हो गया, बचेगा 1 नंबर। अब 1 नंबर दोस्तों या तो वो प्रत्यय पूछ सकता है, कत कतवत कतवत 3 बता दिए, और दोस्तों शक्ति प्रत्यय होता है, शक्ति का अत अंतिम अत शेष होता है, तो कि अगर गच्छ धातु में गम धातु में अगर जो है कि गच्छन गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छता, अगर उसमें शक्ति प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाए तो गच्छन गच्छन्ति गच्छत बन जाता है, ये पश्यन पश्यन्ति पश्यत बन जाता है, दृश्य बराबर पश्य होता है, पठन पठन्ति पठत हो जाता है, तो ये सब ऐसे हो जाता है। तो दोस्तों हमारे लिहाज से हमने जो भी समझाया तो उस लिहाज से मैंने अपना वीडियो डाल दिया है, क्योंकि मुख्य मुख्य चीजें अपठित गद्यांश जब आएगा तो उसमें दोस्तों थोड़ा सा समझना ये है कि अपठित गद्यांश में पर्यायवाची शब्द, अच्छा जिस शब्द जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो शब्द उसमें खोजिए, जिन लोगों को नहीं आता है संस्कृत उस शब्द को खोजिए, आगे पीछे उसका हिंदी में जैसा भी अर्थ बनता है उस अर्थ को बनाइए आप लोग, और वहां पर अगर अर्थ आप बनाने में कामयाब हो गए तो आपको दोस्तों 3 में से 3 नंबर मिल सकते हैं। और एक चीज दोस्तों यहाँ 10 नंबर थोड़ा सा समझिएगा, एक धातु रूप का और एक शब्द रूप का रूप आएगा, तो अगर आप लोग देख लीजिए रमा बालक पिता और उसके बाद हरि और गुरु, इतने लोगों का रूप आपने याद कर लिया, और पट धातु का 5 लकारों में अगर आपने रूप याद कर लिया दोस्तों 2 नंबर ये हो गया आपका, एक उच्चारण स्थान 3 नंबर हो गया, वाच्य परिवर्तन 4 नंबर हो गया दोस्तों, प्रत्यय से कम आशा है, प्रत्यय से ज्यादा नहीं पूछेगा, और समास से भी दोस्तों अगर पूछेगा भी तो याद रखिएगा अनुगुणम अनुरूपम और उपकृष्णम, ये ऐसे करके अव्यय भाव समास पूछ लेता है या तो तत्पुरुष समास पूछेगा, ये आप लोगों को पता है, तो सीधे हो गया 6 नंबर 3 रूप पूछ लिया, तो इतना ही खाली आपको पढ़ना है, ज्यादातर आप लोग एक उच्चारण स्थान पढ़ लीजिए, वाच्य परिवर्तन पढ़ लीजिए, विभक्ति पढ़ लीजिए दोस्तों, रूप जरूर याद करिए 2 नंबर का आएगा दोस्तों, ये हो गए सीधे 6 7 नंबर, अगर उन्होंने गद्यांश दे दिया तो गद्यांश में दोस्तों 3 नंबर ऐसे ही आ गया, 6 3 9, और उसके बाद दोस्तों एक अव्यय पूछता है कि अभ ये अभ ये सब क्या है, तो ये सब करते अधुना हो गया अपि हो गया, इन सबको आप लोग देख लो ना होगा, उसके बाद ये सब 10 रूप यहीं से बनेंगे और यहीं से बनेंगे, 10 नंबर में आप लोग 8 9 नंबर आराम से पा सकते हैं, जो संस्कृत नहीं पढ़े इतना अगर ध्यान दें तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से जो है कि आगे भविष्य निर्माता बने और बच्चों को सही दिशा और मार्गदर्शन, धन्यवाद।